हे हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप ग्रुप, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गेमिंग बूस्ट में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने न्यू मैप क्लहारी के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि फ्री फायर ने बोला था कि हम अपने OB90 अपडेट में क्लहारी मैप देने जा रहे हैं, ठीक है। ये न्यूज़ उसने अपने फ्री फायर ऑफिशियल अपने इंस्टाग्राम पर दिया था, फेसबुक पर दिया था, प्लस में गाइस अपना जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी दिया था। और गाइस एडवांस सर्वर भी जब हम खेले तो हमको क्लहारी मैप देखने को मिला था, लेकिन गाइस जब गेम अपडेट हुआ तो वहाँ पर गाइस हम लोग को क्लहारी मैप देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो गाइस क्यों नहीं मिला इस पर भी हम बात करेंगे, और क्लहारी मैप कब तक आएगा इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहो यार, अगर आपको इस सब के बारे में जानकारी चाहिए तो चलो यार बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करके है कि फ्री फायर ने हमारे विंटर लैंड अपडेट में क्लहारी मैप को क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो गाइस इस बारे में फ्री फायर का ये कहना है कि हमने उस वक्त क्लहारी मैप को इसलिए नहीं दिया क्योंकि यार उस वक्त क्लहारी मैप में बहुत सारे बग थे। जी हाँ गाइस, आप नहीं मानोगे यार, जब हम गेम खेल रहे थे तो यार उसमें इतने बग हमको मिल रहे थे यार, क्या कहे, मतलब जहाँ जाओ वहाँ पर उसमें बग है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और गाइस सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी ना कि उस वक्त इसमें किसी भी प्लेस पर नाम नहीं लिखा था। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग देखते हैं बरमुंडा खेलते हो तो बोला जाता है कि हाँ ये पीक है, ये क्लॉक टावर है, ये फैक्ट्री है। तो गाइस ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा था, कहीं पे भी कोई नाम वगैरह था ही नहीं कि हाँ इस प्लेस का ये नाम है, इस प्लेस का ये नाम है। तो गाइस ये सब प्रॉब्लम बहुत सारे बंदे को हो रही थी कि मतलब कि यार कोई नाम ही नहीं दिया गया। और गेम में गाइस जितने सारे बग थे इसमें ना कि यार मत पूछो, बहुत सारे बग इसमें थे, ठीक है। तो गाइस ये सब देखते हुए फ्री फायर ने बोला था उस वक्त कि हम गेम में क्लहारी मैप देंगे नहीं, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि अब गेम में कभी आएगा ही नहीं। लेकिन गाइस उस वक्त फ्री फायर ने रीज़न नहीं बताया था कि हम इस रीज़न से मैप को दे नहीं रहे हैं, लेकिन गाइस हम लोगों ने ये समझा कि अब गेम में फ्री फायर अब क्लहारी मैप को देगा ही नहीं। लेकिन गाइस फ्री फायर ने फिर एक न्यूज़ रिलीज की है और उसमें ये बोला है कि हम फिर से क्लहारी मैप को देने जा रहे हैं गेम में, और जब हमारा ये न्यू मैप क्लहारी आएगा तो गाइज इसमें हमको बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जब गाइज हमने एडवांस सर्वर में खेला खेला था तो इसमें बहुत सारे बग थे और बहुत सारे हाउस थे जिसको डिजाइनिंग इतनी ख़राब की गई थी तो यार उसको देखने में मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन गाइज फ्री फायर ने बोला है कि हम इस मैप को अच्छी तरह से मॉडिफाई कर दिए हैं, सारे प्लेस का जो जो नाम है वो हमने दे दिया है, अब हम इसको बस गेम में अपडेट ही करने वाले हैं। तो गाइज उसकी जानकारी अब हम इस वीडियो में आपको दे देते हैं कि कब से हमारे गेम में ये क्लहारी मैप देखने को मिल सकता है। तो गाइज फ्री फायर की अगर न्यूज़ की बात करें तो उसमें गाइज बोला गया था कि फ्री फायर ये वाला जो मैप है हमें न्यू ईयर के तौर पर देने जा रहा है। जी गाइज जिस दिन हमारा न्यू ईयर है यानी गाइज 1 तारीख को हमको ये वाला मैप है अपने गेम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी रुको यार, अभी एक और बात आपको बतानी है, फ्री फायर ने एक ही नहीं दो डेट दिया है हम लोग को इसके लिए, एक है गाइस 1 तारीख और एक है 21, मतलब कि 21 तारीख, 2 दिन हमको दिया गया गाइस। अगर ये मैप 21 तारीख से नहीं आया मतलब 1 तारीख को गाइस, तो आपको ये मैप 21 तारीख को गेम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार फ्री फायर ने का कहना है कि हम इसको 1 तारीख से दे देंगे, ठीक है। और गाइस एक वेबसाइट से मुझे ये खबर मिली है कि 21 तारीख को आ रहा, तो गाइस 2 डेट हमको मिली है। अब दोनों में गाइस कन्फ्यूजन है कि कब आएगा, लेकिन गाइस 90% ये चांस है कि ये मैप हमको 1 तारीख को गेम में देखने को मिल जाएगा अपने फ्री फायर में। अब गाइस बात करते हैं गेम में अगर इसको देगा फ्री फायर तो क्या गेम का साइज इंक्रीज होगा। तो गाइस फ्री फायर का ये कहना है कि गेम का साइज बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा, हम इसको सेम परगेटरी जैसा ही देंगे। जैसे गाइस आप लोगों को पता है कि अभी गेम में परगेटरी मैप है, अगर हम उसको खेलना चाहते हैं तो हमको उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्री फायर का ये कहना है कि हम भी इसको ऐसे ही देंगे, अगर बंदे इसको खेलना चाहते हैं तो आप इसको मतलब डाउनलोड करके खेल पाओगे, ठीक है। क्योंकि यार देखो बहुत सारे बंदे का मोबाइल में स्पेस बहुत कम होती है, और अगर इसको डायरेक्ट दिया जाएगा तो उसके मोबाइल में स्पेस के प्रॉब्लम से गेम चलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए फ्री फायर ने बोला है अगर जिसके मोबाइल में स्पेस होगा वो आराम से इस मैप में खेल पाएगा और इस मैप का आनंद ले पाएगा, लेकिन जिसके मोबाइल में गेम लैग करता है वो उसको मतलब एक बार ट्राई करके फिर इसको हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो फ्री फायर गाइस कुछ ऐसा कहना है कि हम इसको डाउनलोडिंग के तौर पर देंगे, अगर हम इसमें खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हम इस मैप में एंटर करके खेल पाएंगे। और गाइस इस मैप में सिर्फ क्लासिक मैच ही होगा, रैंक मैच बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ क्लासिक मैच के लिए इस मैप को अभी तक बनाया गया, ठीक है। रैंक मैच के लिए गाइस होगा फ्यूचर में, इसको अपडेट कर दिया जाए रैंक मैच के लिए, लेकिन गाइस फिलहाल अभी फ्री फायर ने बोला है कि हम इसको सिर्फ क्लासिक के लिए ही रखेंगे, क्लासिक के अलावा भी इसको मतलब ज़्यादा इसको अभी आगे तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यार अभी इस मैप में बहुत सारी चीज़ें हो जो फिक्स करनी होगी फ्री फायर को, ठीक है। अभी तो गाइस जो बग्स थे, प्लेस के नाम वगैरह थे और कुछ मॉडिफिकेशन है जो इस मैप में करके दिया है, लेकिन गाइस अभी इस मैप का साइज़ भी आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटा था, तो गाइस उसको भी फ्री फायर ने बोला कि हम उसको इंक्रीज करेंगे आगे फ्यूचर में, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही यार, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।